सो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के लास्ट अपलोडेड वीडियो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के बारे में। शायद आपने उस वीडियो को जरूर देखा होगा जिस वीडियो में कैरी मिनाटी ने आमिर सिद्दीकी को रोस्ट किया था, यानी कि टिकटॉकर्स को रोस्ट किया था। उसके बाद वो वीडियो जो है यूट्यूब पे काफी तेजी से वायरल होने लगा था, जिसकी वजह से उस वीडियो ने कई सारे रिकॉर्ड्स को बीट किए थे और कई सारे नए रिकॉर्ड्स भी बनाए थे। सो इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आखिर यूट्यूब ने कैरी मिनाटी के उस वीडियो को डिलीट क्यों किया और इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस कुछ देर पहले तक जब कैरी मिनाटी के उस वीडियो पे क्लिक करते तो आपको कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन दिखा था, दिस वीडियो हैज बीन रिमूव्ड फॉर वायलेटिंग यूट्यूब्स पॉलिसी ऑन हैरेसमेंट एंड ब्लिंग। तो ये हैरेसमेंट और ब्लिंग होता क्या है इसके बारे में आपको सबसे पहले बता दूं, फिर आपको पूरा फंडा समझ में आ जाएगा कि YouTube ने आखिर इस वीडियो को डिलीट क्यों किया। तो अगर आसान शब्दों में कहूं तो साइबर ब्लिंग का मतलब होता है इंटरनेट पे किसी को धमकाना या किसी को हैरेसमेंट करना, किसी के बारे में गलत कमेंट करना या किसी का यौन उत्पीड़न करना। तो इसे ही साइबर ब्लिंग कहते हैं, जिसकी वजह से कैरी मिनाटी के वीडियो को डिलीट कर दिया गया। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि रोस्टिंग वाली वीडियो में अक्सर थोड़े बहुत गालियों का इस्तेमाल किया जाता है, किसी का मजाक बनाया जाता है, तो इसी वजह से YouTube ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। तो अब आपके मन में सवाल आता होगा कि यार अगर YouTube को वीडियो डिलीट ही करना था तो अपलोड होने के कुछ घंटे बाद कर देता, इतने ज्यादा लाइक्स एंड व्यूज जाने के बाद अब डिलीट क्यों किया। तो देखो इसका बहुत बड़ा रीजन है, जब किसी पार्टिकुलर वीडियो पे बहुत सारे रिपोर्ट्स होने लगते हैं तो YouTube उस वीडियो को रिव्यू करता है, और रिव्यू करने के बाद अगर पाता है कि सच में इस वीडियो में कुछ गलत कहा गया है या कुछ गलत बताया गया है तो इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ कैरी मिनाटी के वीडियो के साथ। इतना ही नहीं, कैरी मिनाटी के वीडियो के साथ साथ एल्विश यादव और लक्ष्य चौधरी के वीडियो को भी यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है। उसके बाद एल्विश यादव और लक्ष्य चौधरी ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट किया है, तो चलो उसे देखते हैं। यार ये चीज मेरे को बहुत बेकार लगती है, जब झेला नहीं जाता पब्लिक अपने उस पे आ जाते कि रिमूव करवा रहे। भाई रिमूव करवाने तुम्हारा पूरा चैनल रिमूव करवा दूंगा, पर ऐसा अच्छे थोड़ी लगा किसी की वीडियो रिमूव करवा रहे हो, मेरी वीडियो रिमूव करवा रहे हो। देखते हैं अभी, देखो भाई जो भाई मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी वीडियो डिलीट हो गई, तुमने डिलीट कर दी। भाई मैं क्यों करूँगा डिलीट यार, पहली बात तो ये, और दूसरी बात यूट्यूब का पता नहीं क्या सिस्टम चल रखा, कम्युनिटी गाइडलाइन, साइबर बुलिंग, मैं देख रहा हूँ अभी मैटर कुछ होता तो मैं अपडेट करता हूँ। गाइज हमको तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दमता, लूट लिया अब तो बहन जो आगे क्या ही बोले। वीडियो भाई रिमूव हो गई, YouTube से सुबह सुबह बात करेंगे जो भी होगा। कैरी भी परेशान है यार, हम भी परेशान हैं, देखते हैं भाई क्या होता है। वीडियो मुझे लगता नहीं वापस आएगी, कुछ इनका कोर्ट वोट के सीन के थ्रू हुआ शायद, जो भी हुआ ठीक है यार। अभी चैनल का यार रिस्क तो जो है मेरे को और किसी चीज़ का डर नहीं रहता, ठीक है अभी। लेकिन शायद कम्युनिटी की वार्निंग ही आई है, स्ट्राइक नहीं आई, और फिर बनाएंगे यार कुछ और नई वीडियो में, इसीलिए यार किसी चीज़ को इतना खींचता नहीं। और भाई मेरे से अब उम्मीद मत रखना कि मैं कुछ रिलीजन बेस पे पॉलिटिकल या कुछ ऐसा बोलूँगा, अब से ओनली नॉर्मी कॉमेडी बस। तो जैसा कि आपने देखा एल्विश यादव और लक्ष्य चौधरी ने स्टोरी में कैसे बताया कि उनका वीडियो डिलीट हो गया है। अब गाइस यहाँ पे बात आता है कि कैरी मिनाटी का वीडियो क्या वापस आ पाएगा, क्योंकि कैरी मिनाटी का बहुत सारे फैंस फॉलोइंग, जिसकी वजह से जो है टिकटॉक पे जो है कुछ दिनों से सिर्फ कैरी मिनाटी ही चल रहा था। और सबसे बड़ी बात ये कि कैरी मिनाटी के जितने भी सपोर्टर्स है, जितने भी फैंस है, उन लोगों ने ट्विटर पे कुछ हैशटैग्स को जो है ट्रेंड करवा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो फर्स्ट में है कैरी मिनाटी, सेकेंड में है जस्टिस फॉर कैरी, थर्ड में आपको दिखाई दे रहा है सेम ऑन यूट्यूब, एंड फोर्थ में है कैरी मिनाटी टिकटॉक रोस्ट। तो इस तरह से कुछ चार हैशटैग हैं जो कि बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे। तो इन सभी चीज को देखकर लगता है कि कैरी मिनाटी का वीडियो वापस आ जाएगा, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा सपोर्टर्स है और इस तरह से ट्रेंड करवा रहे हैं। अब यार ऐसा लग रहा है कि ये यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का मसला जो है यहाँ पे खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है ये वीडियो डिलीट होने के बाद। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे हमें कमेंट में जरूर बताना, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और इससे रिलेटेड कोई सा भी इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाला कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं किसी और अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।